हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? और उम्मीद करते हो आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देव रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, फेस से आप लोग को पता चलता होगा। इसी वजह से जल्दी रेगुलर अभी वीडियो नहीं आ रही है गाइस। और आज शुक्रवार है और आज उपवास भी है, तो सुबह उठे थे तो काम वगैरह करके अभी पूजा पाठ कर लिए गाइस अभी। और बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है क्योंकि बरसात अभी है गाइस, तो कपड़ा ऐसा ही जैसे तैसे यहाँ पर डाल दिए थे सूखने के लिए अभी। और अभी सरियाए नहीं है, यानी सुबह उठे तो नीचे नीचे साफ सफाई करके उसके बाद पोछा ओछा लगा के नहा धो के पूजा किए थे गाइस। आज माता संतोषी पूजा है, संतोषी पूजा करते 16 शुक्रवार, तो आज शुक्रवार है। पूजा कर लिए गाइस और आंगनबाड़ी अभी जा रहे हैं, तो आंगनबाड़ी के लिए भी जा रहे हैं हलवा बनाने। आने बच्चे लोग को नाश्ता बना के यहीं से ले जाएंगे और उधर से आएंगे तब फिर कुछ काम करेंगे गाइस, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम अभी बचा हुआ है। तो वही अभी दूध चढ़ाए गाइस, आने पूजा वूजा कर लिए हैं, चाय बना के पी लिए थे पूजा करके। अभी दूध गर्म करके रख ले रहे हैं गाइस क्योंकि दवा भी खाना है, तो अभी दूध हो जाएगा उसके बाद हलवा बना लेंगे, उसके बाद ही आंगनबाड़ी जाएंगे गाइस। आंगनबाड़ी खुला हुआ है, खोल के आए थे और अभी बहुत सारा काम बाकी है। उधर जाएंगे तब फिर कपड़ा वगैरह सरियाएंगे गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। बरसात था तो अंदर में ही सूख रहा था पंखा के नीचे कपड़ा वगैरह, तो सरियाए नहीं थे, टाइम नहीं मिला था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस, इसी वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। आज थोड़ा सा ठीक है तो पूजा पाठ तो हो गया है गाइस, और उसके बाद अभी कपड़ा वगैरह सरियाना बाकी है, अभी घर बहुत साफ सफाई करना बाकी है। ऐसा नहीं बीमार हो जाते तो जैसे लगता है घर भी बीमार हो गया है, ऐसे एकदम साफ सफाई कुछ नहीं हो पा रहा था। उधर से आएंगे छुट्टी करके उसके बाद ही थोड़ा सा कपड़ा वगैरह सरियाएंगे, घर भी साफ करेंगे, बहुत दिनों से नहीं हो पाया था गैस। दूध फल रहा हलवा वगैरह बना ही लेंगे, खाना बन चुका है आज तो। शुक्रवार के दिन एक टाइम ही खाना खाती हूँ, यानी दिन में नहीं खाती हूँ गाइस, दिन में यही चाय या कभी कभार दूध पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ पूजा करके, उसके बाद कभी कभार हो जाता है तो दूध भी पी लेती हूँ गाइस। वैसे दिन में हम कभी कुछ खाते नहीं हैं और रात में हस्बैंड रोटी बना देते हैं गाइस, तो दूध रोटी या कभी कभार दूध ही पी के सो जाती हूँ, और अच्छा नहीं लगता है मीठा मीठा खाना। खाना बच्चा लोग का बन गया है गाइस, सिर्फ सब्जी बनाना बाकी है, तो हस्बैंड बनाएंगे और अभी जा रही हूँ मैं हलवा बनाने के लिए बच्चा लोग के लिए, उसके बाद हलवा बन जाएगा तब आंगनबाड़ी जाऊँगे। उधर से 1 बजे के लगभग छुट्टी कर देंगे गाइस। अभी सारा घर मेरा इसी तरह है, देख सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग जैसे सोए थे गाइस उसी तरह अभी भी है। नीचे नीचे साफ सफाई करके उसके बाद पूजा पाठ करके चल गए थे गाइस आंगनबाड़ी, और आए अभी हलवा बनाने के लिए। अभी तो उधर से आने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी, बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है। ऐसा नहीं तबीयत ख़राब था ना तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लगता था गैस। उधर से आंगनबाड़ी से आते थे तो सो जाते थे, दम बहुत दवा वगैरह खाते थे तो नींद लगता था बहुत ज़्यादा, नशा टाइप का। इसी वजह देख सकते हैं मेरा सारा रूम अभी वैसा ही है, नीचे नीचे साफ़ सफाई करके आज क्योंकि शुक्रवार है गैस तो पूजा करना था, तो नीचे नीचे साफ़ कर, बच्चे लोग सोए हुए थे तो नीचे नीचे साफ़ करके उसके बाद पूजा पाठ करके चली गई थी आंगनबाड़ी। अभी आई हूँ तो हलवा वगैरह बना के ले जाऊँगी, उसके बाद बच्चा लोग को छुट्टी करके तब साफ़ सफाई होगा गैस, तब जा रही हूँ हलवा बनाने के लिए। मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, चाय है, तबीयत खराब रहता है गाइस, लगता घर भी बीमार हो गया है, हम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जा रहे हैं हलवा बनाने के लिए, हलवा बना लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। और आंगन का तो
झाड़ू वगैरह हो भी नहीं रहा, धूप बहुत अच्छा है गाइस, कपड़ा वगैरह सुहाने, कल धूप नहीं था, कल कपड़ा डाले थे पर पानी वाला मौसम था तो अंदर ही सूखा कपड़ा, इसी वजह से कपड़ा भी बिखरा पड़ा है, कुछ नहीं हो पा रहा। गैस तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जा रहे हलवा बनाने के लिए। तो गैस मैं आ गई हूँ घर और छुट्टी हो चुकी है हमारी, गैस तो आ गई हूँ घर और चेंज वगैरह कर लिए हैं कपड़ा वगैरह, उसके बाद यहाँ पे दवा खाने बैठी हूँ। गैस आप लोग देख सकते हैं मेरा हाल अभी किस तरह से है, मेरा फेस वगैरह अभी कितना उतरा उतरा है गैस, क्योंकि अभी कम से कम 2 सप्ताह बीत चुकी है गैस और बुखार छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, और इसी तरह मैं काम कर रही हूँ तो पानी घर का काम तो नहीं कर रही हूँ गैस, हस्बैंड हैं बच्चे लोग हैं तो बहुत हेल्प हो जा रहा है, हस्बैंड घर का सारा काम कर ले रहे हैं गैस, क्योंकि अभी ड्यूटी नहीं जा रही, मेरी तबीयत 2 सप्ताह हो चुकी है गैस, इसी वजह से अभी रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रही है यूट्यूब पर, क्योंकि तबीयत कभी कभार इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है गैस कि दिन भर रात भर उठ नहीं पाती हूँ बिस्तर से, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है गैस, और अपने ही होते हैं गैस, यानी अपने हस्बैंड बच्चे मम्मी अगर नहीं रहते गैस यहाँ पे तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरी तबीयत इस बार ना दम 2 सप्ताह से अधिक हो चुकी है मेरी तबीयत, और दवा भी देख सकते कितना ज़्यादा यहाँ दवा बिखरा पड़ा है गैस, एकदम जैसे ना लग रहा था कि कैसे मैं ठीक ही कभी नहीं हो पाऊँगी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब गैस, उल्टी बुखार छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, अगर हस्बैंड नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता गैस, और हस्बैंड मेरे चलते ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती है, और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं गैस तो हस्बैंड है ना तो बहुत हेल्प हो जाता है गैस, यानी हस्बैंड घर का सारा काम संभाल दिए हैं गैस तो थोड़ी राहत है, और फिर भी आंगनबाड़ी से छुट्टी नहीं मिली है गैस, फिर भी इसी तरह तबीयत ख़राब है, फिर भी आंगनबाड़ी जाती हूँ और उधर से आती हूँ तो दवा वगैरह खाती हूँ गैस, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के दवा खा ही लेती हूँ ना, तो दिन भर नशा लगा हुआ रहता है गैस, दिन भर मैं सोई हुई रहती हूँ, कब रात हो जाता है कब शाम होता पता ही नहीं चलता, हस्बैंड ही खाना वगैरह सारा काम करते हैं गैस, बहुत हेल्प हो जाता है, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दवा बिखरा था गैस, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी हल्के फुल्के ठीक लग रही थी गैस, वही मैं दवा भी रख दे रही हूँ, और अभी मेरा घर भी बहुत बिखरा पड़ा है, बच्चे लोग क्या करेंगे गैस, हस्बैंड भी बहुत काम करते हैं घर में, और जिस तरह एक औरत अपने घर का ख्याल रखता है गैस उस तरह कोई नहीं रख पाएगा, मर्द तो मर्द ही होते हैं गैस, खाना वगैरह बना देते हैं यानी घर का काम कर लेते हैं मगर एक औरत और एक मर्द में बहुत फर्क होता है गैस, औरत जिस तरह अपना घर का ख्याल रखती उस तरह से कोई भी नहीं रख पाएगा, तो देख सकते हैं गैस मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे बिखरा पड़ा है तो हस्बैंड वही हंस रहे हैं गैस, क्योंकि बीएलओ का काम सिर्फ यही है गैस, देख सकते हैं बीएलओ कर दे दिए पोस्टर, सिर्फ सम्मानित करना है और पेमेंट वगैरह जल्दी मिलता नहीं, वही हम लोग बोल के हंस रहे थे गैस, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे सिर्फ सलामी ही मिलेगी पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं हंस रही थी क्योंकि हस्बैंड है गैस तो बहुत हेल्प हो जाता है, तो वही हंस रहे थे कि हम लोग का पेमेंट नहीं सिर्फ सलामी और शाबाशी यही मिलता है गैस, और एक काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, दूसरा काम आ चुका है गैस, हाल ही में 1 से 2 दिन हुआ है पल्स पोलियो का ड्यूटी ख़त्म हुए, और हर घर जाके पल्स पोलियो पिलाना, इतना फील्ड में फील्ड वर्क करना, आना जाना, और तबीयत भी मेरी ख़राब थी गैस, और उसी प्रकार काम भी करना तो और भी हरासमेंट हो गई थी, और अभी देखिए पल्स पोलियो का ड्यूटी भी ख़त्म ठीक से नहीं हुआ और फिर इधर से बीएलओ का काम हो गया आ गया है गैस, वही मैं पोस्टर वगैरह देख रही थी, तो यानी एक काम ख़त्म होता नहीं है दूसरा काम आ जाता है गैस, घर के काम तो नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं गैस मेरा घर
किस तरह से बिखरा पड़ा है मेरा घर, मेरे साथ साथ मेरा घर भी बीमार है गाइस, क्योंकि कोई सही आने वाला नहीं है। चारों तरफ बचे लोग कपड़ा अपना अपना, यानी बरसात का मौसम है तो कपड़ा जैसे तैसे यहाँ पे ही पसार के रख दिया है पंखा के नीचे बचे लोग इसी तरह से। तो अब थोड़ी बहुत ठीक लग रही है तो जा रही हूँ सिरियाने इसको।